गला दबा करके हत्या किया हुआ है, उसको दाग है, उसका ससुर है, ननद है, सास है। विशाल जो ऐसे कुछ बोलती थी तो कहता था कि तुम अपना चोंच बंद करो, विशाल कहता था उसका हस्बैंड, विशाल बाप बेटा सब अय्याश है, हिंदू मुसलमान सब लेडीज लोग ला करके घर में बलात्कार करता था, मेरी बेटी विरोध करती थी उसका, इसीलिए सबको मिलकर उसका जो है ना मार दिया सबको मिलकर। हमको क्या पता कि मेरी बेटी को सही है मारिए देगी, उसकी ननद यही थी वही मारिए है विशाल, वो सुबह में भागी है विशाल जो है ना दमाद, वो ऐसे छिपा हमको क्या बोला 2 बजे रात में आपकी बेटी गला काट ली है अपना जान बचाने के लिए, जब बोला ना जाओ ट्रेन में जाके कट जा, बस वो भागने लगी, उसको देखा था नहीं नई नवेली थी, बस भागने लगी वहाँ ढाला पर आ गई, आने लगी बस उसका सब घिसी ले उसको मार ले बाहर रास्ता उसको लेके आ गया तो गई बेटी मेरी। जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानी बाग में 23 वर्षीय स्नेहा बासु की ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि 3 साल पूर्व सिंह बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानी बाग स्थित युगल किशोर के पुत्र विशाल कुमार के साथ शादी रचाई गई थी, शादी होने के कुछ दिन बाद ही मृतक लड़की को मानसिक रूप से टॉर्चर करना ससुराल वालों ने शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की के ससुराल वाले गलत धंधे करते थे, जिसका विरोध करने पर उस लड़की के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया करता था। लड़की ने अपने माता पिता को कई बार इसकी सूचना दी थी और थाने में शिकायत करने को भी कहा गया था, लेकिन मामला को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन दरिंदे ससुराल वालों ने 23 वर्षीय स्नेहा बासु को अंतिम में उन्हें गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस के पहुंचते ही ससुराल वाले घर से फरार हो गए, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस घटना में ससुराल वाले शामिल थे और उन्होंने ही यही हत्या की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू पर जांच कर रही है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद इसकी सूचना सिमरी बख्तियारपुर थाने क्षेत्र को दी गई, जहां घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल मृतक के माता पिता ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मम्मी थाना में कंप्लेन कीजिए, हमको सबको मिलकर नहीं तो मार देगा, हमको सेफ्टी के लिए अब थाना में कंप्लेन कीजिए। पुरानी बाजार में एगो मेरा रिलेशन है, बोला आप उनको बुलाइए उनको कहिए, तो हम बोले अच्छा बेटा ठीक है जाओ ना, छोटकी ननद उसका शादी था 27 को बोकारो में, वहाँ से आई, पहले तो बेटी हमारा विद करना नहीं चाहती थी, हम उसको मनाए बेटा छोटी ननद है तुम बड़ी भोजा है के गो भोजा है कर लो, नहीं करेगी तो लोग तुमको क्या कहेगा, विद करने के लिए तैयार हुई, वहाँ गई तो उसका ननिया सास ममिया सास ससुर सब मिलकर उसको टॉर्चर करता था। हमारा बेटी पढ़ा लिखा बीए किए हुए मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन इंटर में फर्स्ट डिवीजन किए हुए, तब सबको मिलकर उल्ला पका के मार दिया। विशाल जो जब कुछ बोलती थी तो कहता था कि तुम अपना चोंच बंद करो, विशाल कहता था उसका हस्बैंड तुम अपना चोंच बंद करो, कहती थी अपना चोंच काहे बंद करेंगे, अपना बेटी को समझाइए, उसकी बेटी ने गाली हमारी बेटी का यहाँ रानी हाट में ब्याह हुआ था सिमरी बख्तियारपुर रानी हाट में, युगल साहु के बेटा है विशाल, विशाल बाप बेटा सब अय्याश है, सब अय्याश है, 2 नंबर दोनों आदमी है, हिंदू मुसलमान सब लेडीज लोग को ला करके घर में बलात्कार करता था, मेरी बेटी विरोध करती थी उसका, इसीलिए सबको मिलके उसका जो है ना मार दिया सबको मिलके। वो लड़की जो थी ननद उसकी वो भी 2 नंबर थी, तो वही उसका पोल पट्टी से जब खोलने लगी इसलिए जो है वो बोली कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, परसों बोली है कि हम तुम्हारी बेटी को बर्बाद कर देंगे, इसी वजह से जो है सबको मिलके उसको मार दिया। हमारा बेटी बोली हम लोग को पता नहीं, हम लोग को सब कहता था पहले पुरानी बाजार का लोग अब बेटी को तलाक दिलवा दीजिए नहीं तो आपकी बेटी को मार देगा, वही किया मार दिया। हमारा बेटी बोली मम्मी थाना में कंप्लेन कीजिए, बोली मम्मी हम आ रहे, बोले बेटा आ जाओ हम तुम आएगी नहीं यहाँ तो हम जाएंगे थाना में कंप्लेन करने के लिए, हमको क्या पता कि हमारा बेटी को सही है मैं मारिए देगी, उसकी ननद यही थी वही मारिए है विशाल, वो सुबह में भागी है विशाल जो है ना दमाद, वो ऐसे चिपा हमको क्या बोला 2 बजे रात में आपकी बेटी गला काट ली है, अब बेटी के हमारा गला पर कहीं कुछ नहीं है, हमारा बेटी फांसी नहीं लगा सकती, मरने वाली नहीं थी पढ़ी लिखी थी कौन थी, बोले हम मरेंगे काहे, हम ही लोग हम बोले बेटा तुम थाना में कंप्लेन करो तुम पुलिस को फोन करो, तू बोली कि मम्मी फोन नहीं लगता है, पता नहीं उसका दिमाग भुतला गया था कि क्या, हम बोलते थे तुम महिला थाना में, हमारा घर खगड़िया हुआ है, हमारा नाम सुनीता देव हुआ, हमारा हस्बैंड का नाम विष्णुदेव प्रसाद है, हमको 2 बेटी थी बड़ी बेटी थी, हमें जो है 2017 में 3 दिसंबर को शादी किए हैं उसका, साल भर था इसी शादी करके गई, उसी समय से टेंशन उसको देते रही, खूब टॉर्चर करता था सब मिलकर, एक बार आरो मार ले तो क्या कहता था हमारा दमाद जा तुम भाग जाओ ट्रेन में जाके कट जाओ छत पर से कूद जाओ, बस बेटी ने हमारा भाग गई अपना जान बचाने के लिए, जब बोला ना जाओ ट्रेन में जाके कट जा, बस वो भागने लगी, उसको देखा था नहीं नई नवेली थी, बस भागने लगी वहाँ ढाला पर आ गई, आने लगी बस उसका
का ससुर घिसी आए उसको मार ले भर रास्ता उसको ले गया बेहोश हो गई बेटी मेरी। हम आए 10 आदमी से फिर पंचायती उंचायती बैठाए, जब सबको हम घर का कहानी सुनाए तो सब लोग जो है पहले जो है बोला आपकी बेटिए बदमाश है से उसे है, जब समाज का लोग सब सुना हमारा कहानी तब बोला नहीं जुगल बाबू आप गलत काम किए हैं, छोटा छोटा बात के लिए जो है ना टॉर्चर करता था ससुर हमको, उसको हमारा बेटी तो चल गई उसको बर्बाद कर दीजिए उसको।